अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज ज़वार यावर, मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब अली। एंड आज रुबाब हम रिएक्शन रिव्यू करने वाले हैं एक कलाम का, विच इज न्यू काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि इससे पहले बहुत सारे हमने कलाम सुने हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर इन कपलेट्स, यानी दो दो लाइनों के शेर होते हैं। बट ये वाला जो कलाम है ये बेसिकली रुबाई की सूरत में, रुबाई चार या पांच शेरों पर मुश्तमिल होती है। एंड दिस इज बाय चैनल कलंदर शऊर, और जगराग एक और चैनल है जिसने आई थिंक जो इसको म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो जगराग के ओनर मसूद आलम। सो आई सॉ दिस कंटेंट ऑन यूट्यूब और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड चूंकि हम लोग कलाम के और इस तरह की चीजों के रिव्यूज अब कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ रमजान, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी रिव्यू किया जाए। सो फर्स्ट लेट्स प्ले दिस एंड देन हम अपना रिव्यू देंगे। दुनिया की इल्यूजन की बात कर रहे हैं शायद। बदलता है जहां का मंजर, हर लम्हा बदलता है जहां का मंजर, नजारे भी आंखों के ख्याली है सब, रिलेटेड एक आयत मौजूद है जिसमें कहा गया है कि ये जहान कुछ भी नहीं।
ये था कुछ भी नहीं, और आई थिंक बहुत सिंपल एक बात बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाई हुई है दैट समटाइम्स हम इस दुनिया की चीजों में इतना उलझ जाते हैं ना. आई थिंक बताया गया है कि जो मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं अब उनको डिफरेंट चीजों से ना, जैसे तितलियों की बात हो रही है, फूलों की बात हो रही है, यू नो जिंदगी की रंगीनियों की बात हो रही है, कि हर चीज जो मटेरियलिस्टिक है ना, That is nothing but just dust. ठीक है, इसने सब मिट्टी है, सबने मिट्टी में चले जाना है, ना कुछ था ना कुछ है ना कुछ होगा. जो होगा वो ये है कि इंसान की जो अपना इखलाक है शायद वो जिंदा रहेगा, और उसमें कहीं ना कहीं वो जो पी और पिला वाली जो लाइन है, अब लोग उसको किस तरह से लेते हैं, बट वॉट आई फील लाइक इज के उस लाइन में बताया जा रहा है कि आप खुद भी अपने लिए भी अच्छा करें, दूसरों के लिए भी अच्छा करें, एंड लिव योर लाइफ लाइक दैट. अ वेरी सिंपलिस्टिक लाइफ लेसन इन अ वेरी शॉर्ट वाइल. तो मुझे तो ये कलाम बहुत ज्यादा पसंद भी आया, प्लस बहुत सॉफ्ट सा था, एंड यू नो इसकी तर्ज भी ऐसी थी और इसकी लाइंस भी ऐसी हैं, वन कैन रिमेम्बर. और जब आपको कोई चीज याद, मतलब आपकी याददाश्त में चली जाए ना कोई चीज, तो वो ज्यादा अच्छी लग रही होती है, जी समझ आ रही होती है, अच्छी लग रही होती है, आप उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस. आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये कलाम. जी सर, आपने ठीक कहा, उसमें जो कलाम में बताया गया, आप जो बता रहे हैं कि इल्यूजन के बारे में कहा गया, और उरुज और जवाल के बारे में बताया गया, उसमें बहुत सारी चीजें जो ह्यूमन नेचर में शामिल हैं, कि हम सोचते हैं, मतलब हर चीज की मुसीबत, परेशानी, तंदुरुस्ती, इन सब के बारे में उसमें बताया गया, तो और उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं हम कहीं ना कहीं, हमारी डोर जग करने को उलझ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने सारा कुदरती अमल बताया. कहीं ना कहीं ऐसी चीज में हम लोगों के साथ ज्यादती भी कर जाते हैं, यानी हमें लग रहा हो ना हमारे साथ बुरा हुआ है, तो फिर हम दूसरों के साथ बुरा करने की सोचो, दिस इज द वर्स्ट पार्ट. खैर, ये हमारा था रिव्यू. आई रियली होप कि जगराग वाले बहुत सारी और चीजें भी बनाए, बिकॉज मुझे ना ये एक नया किस्म का काम लगा. सो आई फील लाइक कि इनको और भी इस तरह के कलाम लाने चाहिए. जिस तरह की फील में और जिस तरह के जॉनर में ये काम कर रहे हैं, दिस इज अ न्यू एंड अ डिफरेंट उलझी हुई जनरेशन के लिए सुलझावा काम. दैट्स द करेक्ट वे टू डिस्पोज ऑफ. एनीवेज,
इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश ऑफ करते हैं। मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी कलाम का रिव्यू करें तो हमें कमेंट्स में बताइए। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।